हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ सीखें। आज मैं ये क्यूट सा बेबी बूट लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बूट साल भर से 2 साल के बेबी के पैर में आसानी से आ जाएगा और आप इसे बहुत ही कम समय में बना लेंगे। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये कितना खूबसूरत है। इसे मैंने वर्धमान के सिंपल वुल से बनाया है और 10 नंबर की सिलाई पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल वुल से 48 फंदे डालेंगे। तो मैंने 48 फंदे डाल लिए हैं। अब हम पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और बिगनर्स भी इस बूट को आसानी से बना सकते हैं। सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया, जिससे उल्टे फंदे की धारी देखिए एक सामने से भी आ गई और एक पीछे से भी आ गई। तो इसी तरह हमें 6 धारियां बनानी है, यानी सामने से भी हम 6 लाइन उल्टा बुनेंगे और बैक साइड से भी 6 लाइन उल्टा। टोटल हम 12 लाइन बुनेंगे। तो 6 उल्टे फंदों की धारियां सामने से आ जाएंगी और 6 उल्टे फंदों की धारियां पीछे से आ जाती। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया, जिससे 1 2 3 4 5 6 उल्टे फंदों की धारियां सामने से और 6 पीछे से आ गए हैं। अब 13वीं लाइन में हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन सिलाई पर से न बुन के। देखिए यहाँ जो छेद दिखाई दे रहा है एक लाइन नीचे, इसमें से हमें सीधा बुनना है। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा बुनना है लेकिन सिलाई पर जो फंदा है इससे न बुनकर एक लाइन नीचे यहाँ जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें से हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुना, गिरा दिया, उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से, एक लाइन नीचे से हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा, देखिए सीधा बुना, गिरा दिया, उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, अब अगला फंदा सीधा बुनना है लेकिन यहाँ से न बुनकर एक लाइन नीचे से। यहाँ देखिए जो ये छेद दिखाई दे रहा है इसी में हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे। अब इसे गिराएंगे, अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है लेकिन सीधा फंदा हम एक लाइन नीचे से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा एक लाइन नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे।
उन दूसरी ओर नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा। फिर उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन सिलाई पर ना बुन के एक लाइन नीचे, ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए ये हमारा दूसरा लाइन है। और इस तरह कुल 10 लाइन हमें बुनना है। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब टोटल हो गए 12 लाइन, ये 6 उल्टे फंदों की धारियाँ और 10 लाइनें हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 22 लाइन कंप्लीट हो गए, यानी कि हमने यहाँ तक की बुनाई कर ली है। अब हम ये बीच का मिडिल पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, 20, 20 और बीच में 8 फंदे। तो अब हम 27 फंदा उल्टा बुनेंगे, 20 फंदा साइड के और मिडिल के 7 फंदे, 27 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने 27 फंदा उल्टा बुन लिया, साइड के 20 फंदे और मिडिल के 7 फंदे। अब 8वां फंदा को बुनने के लिए हमें 8वां फंदा और साइड यानी दूसरे साइड का भी एक फंदा, यानी दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब हमें आगे के फंदों को नहीं बुनना है बल्कि यहीं से हमें टर्न कर लेना है। और अब सिर्फ 7 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हुए ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 7। अब 8वां फंदा और इस साइड का एक फंदा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब फिर हमें यहीं से टर्न कर लेना है, यहीं से हम घूम जाएंगे। अब फिर उनको अपनी ओर करेंगे, 7 फंदों को पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7वां फंदा और इसके आगे वाला एक फंदा यानी इस साइड से एक फंदा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब फिर हमें यहीं से घूम जाना है, उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा को स्लिप करेंगे और 6 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 7वां फंदा बचा है, तो 7वां फंदा और इस साइड से एक फंदा, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर हमें यहीं से टर्न कर जाना है, टर्न किया, उनको अपनी ओर किया, पहले फंदे को स्लिप किया और 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 7वां फंदा बचा है और 7वें फंदे को और इस साइड से एक फंदा, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर हमें यहीं से घूम जाना है, ऊन को अपनी ओर करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 6 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, 7वां फंदा और इस साइड से एक फंदा, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक। अब फिर हमें यहीं से घूम जाना है, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, 6 फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए ये हमारा 1, 2, 3 और ये चौथा लाइन कंप्लीट होने जा रहा है। इसी तरह करके हम ये 7, 3 उल्टे फंदों की धारियाँ बनी हुई हैं और ये चौथी बनने जा रही है।
इसी तरह हमें 8 उल्टे फंदों की धारियां करना होगा, यानी कि इस साइड से 8 फंदे घटेंगे, इस साइड से भी 8 फंदे घटेंगे। देखिए 3 हमने घटा दिए हैं, चौथा हम घटाने जा रहे हैं। ये सामने की तरफ से हमने चौथा फंदा घटा दिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में, उनको अपनी ओर करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। देखिए इस साइड भी 3 धारियां हैं, यानी 3 फंदे घट गए हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 6 फंदा और उल्टा बुनेंगे। अब सातवां फंदा और इस साइड से एक फंदा है, 3 फंदे घट गए हैं। ये इस साइड से एक फंदा, यानी ये चौथा फंदा घटने जा रहा है। तो ये 4 धारियां बनके तैयार हुई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह हमें 8 धारियां बनानी हैं। अब फिर हम यहीं से घूम जाएंगे, उनको अपनी ओर करेंगे कि ये पांचवा धारी बनने जा रहा है। इसी तरह दोनों साइड से हमें 8-8 धारी बनानी है। तो 8 धारी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सामने की तरफ से 2, 4, 6, 8 धारियां बन गई हैं, और रॉन्ग साइड से भी देखिए तो 2, 4, 6 और 8 धारियां बन गई हैं। यानी 8 फंदा इस साइड से, 8 फंदा इस साइड से घट चुका है, यानी 20 फंदे थे, 8 फंदे घट गए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 12 फंदे इस साइड में हैं, और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 12 फंदे दूसरे साइड में हैं। और ये बीच के जो 8 फंदे थे, 8 फंदे यहाँ हैं, 8 फंदे इधर से घट गए और 8 फंदे इस साइड से घट गए। देखिए यहाँ घटाने से पहले हमने यहाँ पे 27 फंदे बुने थे, यानी यहाँ का पोर्शन हम बुन चुके हैं। अब हमें यहीं से लौट जाना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ तक हमें पूरी बुनाई उल्टा उल्टा बुनते हुए करनी है। ये फ्रेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे टाइट करके बुनेंगे, वरना यहाँ पे छेद हो जाएगा। तो हम सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और हम सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लाई पर के सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और देखिए ऐसे जाली देते हुए हम दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए। ये हमारा जाली पड़ गया और यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया, यानी हमारा न एक भी फंदा बढ़ा न घटा। अब इसे गिरा देंगे, फिर उन सिलाई में लपेट कर अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, उन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। ऐसे ही सिलाई में उन घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, उन घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक, उन घुमाकर वापस उन सिलाई में घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेकर उल्टा बुनते हुए हम दो का एक करेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को बुन लिया, रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डोरी डालने के लिए छेद बना लिया। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ही खूबसूरत जूती है ये, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इस जूती को आसानी से बना सकते हैं, और फंदे बढ़ाकर आप बड़े बच्चों के लिए भी जूती बना सकते हैं।
सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हम कुल 5 धारी बनाएंगे, सामने से भी और रॉन्ग साइड से। यानी हमने ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो रहा है और इसी तरह हम 9 लाइन बनाएंगे, यानी 7 लाइन हम और बनाएंगे। तो 7 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 9 रो कंप्लीट कर लिया है। देखिए उल्टे फंदों की 1, 2, 3, 4, 5 धारियाँ सामने से आ गई हैं, यानी ये हमारा 10th रो है। और अब इस लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। एक एक फंदे को हम उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे उतारते जाएंगे। तो इस तरह हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने लगेंगे। देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो रहे हैं। एक एक फंदे को हम उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। हाथ ना हमें बहुत ढीला चलाना है और ना ही बहुत टाइट चलाना। एक एक फंदों को हम बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले फंदे पे उतारते जाएंगे। इसी तरह करके हम सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे। सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब इस आखिरी फंदे को हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे और धागे को काट कर इसमें से ऐसे निकाल देंगे। ये हमारी जूती बनके तैयार हो गई है। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो हम सुई में धागा डाल लेंगे। ये हमारा देखिए उल्टा फंदा हमने बुना है, तो ये ऐसे बनता हुआ आया है। इसी में हम ऐसे एक बार इस साइड में डालेंगे और दूसरी बार दूसरे साइड में। देखिए इससे क्या होगा कि सिलाई कहाँ हुई है पता ही नहीं चलेगा। इससे सिलाई का पता नहीं चलेगा कि हमने सिलाई कहाँ की है। ये दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम कैसे सिलाई करेंगे। ये जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं इसमें हम ऐसे निकालेंगे। एक में डाला और दूसरे में ऐसे निकाल दिया। सारी सिलाई हम सामने सीधी तरफ से कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, और फिर ये उल्टे फंदों की धारी आ गई। तो एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। इससे क्या होगा, देखिए लाइन एक दूसरे में ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीछे की तरफ से सिलाई कर दी। अब हम या तो इसे सामने की तरफ से करें या फिर रॉन्ग साइड से कर सकते हैं या फिर फ्रंट साइड से कर सकते हैं। ये हमारी ऐसी सिलाई हो रही है। ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसी में ऐसे हम ऐसे सिलाई डाल के निकालेंगे। फिर इस साइड भी देखिए, प्रत्येक फंदे में हमें ऐसे ही सिलाई करनी है।
ठीक है फ्रेंड, ऐसे हमारी सिलाई हो रही है, तो मैं सभी फंदों को सिल के आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सिलाई कर दी, अब लास्ट में देखिए कुछ फंदे बचे हैं, तो हम अब की सभी फंदों में ऐसे सुई डाल के निकाल लेंगे। और इसको ऐसे टाइट करेंगे। देखिए तो ये क्या होगा कि ऐसे गोल सा हो गया, और अब इसे हम एक बार ऐसे पक्का करके अंदर की तरफ इसमें निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम काट देंगे, ये हमारा जूता बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जूता बनके तैयार है, अब हमें बस इसमें डोरी लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे डोरी के लिए हम उनको ऐसे लंबा काट लेंगे और उसको दो दोहरा दोहर कर देंगे। ऐसे देखिए डबल फोल्ड हमने कर लिया है, अब इसको ऐसे दाहिने हाथ से ऐसे बाहर की तरफ और बाएं हाथ को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, दाएं हाथ को बाहर की तरफ इस तरह और बाएं हाथ को ऐसे अंदर की तरफ घुमाएंगे। क्या होगा कि ये देखिए ऐसे घूम ऐसे ये लिपटता जाएगा, और जब इस धागे में बल पड़ जाएंगे तो हम इन दोनों सिरों को एक पास लेके इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये हमारी एक सुंदर सी रस्सी बन के तैयार हो गई है। देखिए इसको फोल्ड किया हमने, ये एक सुंदर सी रस्सी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ दूसरे सिरे पे ऐसे गांठ लगा देंगे और इस छेद में से इसे निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डोरी डाल दी है और ये जूता बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, जूता आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको बेबी बूट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।